नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला विंटर कार्निवल को लेकर जोरों पर तैयारियां, इस सप्ताह लगेगा मंच, प्रशासन करेगा ट्रैफिक प्लान लागू। राजधानी शिमला में हो रहे विंटर कार्निवल के लिए रिज मैदान पर इसी सप्ताह मंच सज जाएगा। जिला प्रशासन मंच तैयार करने के लिए सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जुटाने में लगा हुआ है। अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद रिज मैदान पर विंटर कार्निवल के लिए मंच तैयार हो जाएगा। रिज मैदान पर मंच लगाने के लिए जिला प्रशासन ने शिमला जल प्रबंधन निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। दरअसल रिज मैदान के ऊपर जहां पर मंच सजता है उसके नीचे पानी का टैंक बना है, ऐसे में शिमला जल प्रबंधन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया है। 600 में मणिकर्ण, 500 रुपए देकर घूमी सिसु। पर्यटन निगम ने शुरू की ट्रैवलर सेवा। नववर्ष और क्रिसमस का जश्न मनाली में मनाने के लिए आ रहे सैलानी महज 500 रुपए में बर्फीली वादियों का दीदार कर सकेंगे। वहीं सिर्फ 600 रुपए में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मणिकर्ण जा सकेंगे। पर्यटन निगम ने पर्यटकों के लिए मनाली से सिसु और मनाली से मणिकर्ण के लिए फिलहाल ट्रैवलर सेवा शुरू की है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के लिए भी निगम ने अपनी लग्जरी बस सेवा का संचालन शुरू किया है। हिमाचल देश विरोधी नारे लिखने के लिए दुबई से हुई थी फंडिंग, आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उगली कई राज। चिंतपूर्णी मंदिर के पास पिछले दिनों देश विरोधी खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने वाले आरोपियों को फंडिंग दुबई से हुई थी। इस दौरान आरोपियों के खाते में 25,000 रुपए ऑनलाइन माध्यम से आए थे, जबकि अन्य पैसों की अदायगी अभी होनी थी। वरना पुलिस की गिरफ्त में चल रहे पंजाब से गिरफ्तार इन तीनों युवकों ने कई राज उगले हैं। वहीं धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के कार्यालय के पास खालिस्तान के समर्थन में लिखे नारों के शक के चलते कांगड़ा पुलिस इन आरोपियों की कस्टडी मांगेगी ताकि इस मामले को भी सुलझाया जा सके। 29 नवंबर को पंजाब के युवकों ने चिंतपूर्णी मंदिर के पास कुछ दीवारों और बंद पड़ी दुकानों के शटर पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे थे, जिसका 30 नवंबर सुबह पुलिस को पता चला था। 2024-25 से शुरू होने से पहले स्कूलों को मिलेंगे इतने शिक्षक, बैच वाइज के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू होने से पहले प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बैच वाइज आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने TGT, JBT और CNV श्रेणी के शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी है। जिला उपशिक्षण निदेशकों के माध्यम से जिला स्तर पर काउंसलिंग का पूरा खाका व चयनित उम्मीदवारों के नाम की सूची प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भेजी है। JP नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले अब हिमाचल की बारी, लोकसभा की तैयारी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। नड्डा ने कहा कि अब हिमाचल की बारी है और लोकसभा की तैयारी है। हिमाचल में चौका मारना है, इसके लिए पूरी ताकत लगानी है। हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ता मंडी संसदीय क्षेत्र सहित चारों सीटों पर जीत सुनिश्चित बनाएंगे। नड्डा कुल्लू स्थित गांधीनगर में अपनी बुआ के निवास पर पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत को कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित बनाया।